For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. रामायण की दीपिका चिखलिया यानी कि सीता, रामायण की जो सीता है उन्होंने बता दिया है कि किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को वो सीता के रूप में देखना चाहती है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। रामायण जब से कोरोना वायरस फैला है तब से रामायण टेलीविजन पर वापस आ चुका है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि पुराने दिन सभी लौट आए हैं, यानी कि महाभारत से लेकर शक्तिमान तक इंडियन टेलीविजन पर वापस लौट आया है। ऐसे में रामायण की जो सीता बनी है यानी कि दीपिका चिखलिया, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान इस बात को कहा कि जिस एक्टर को और एक्ट्रेस को वो राम और सीता के रूप में देखती हैं इस जनरेशन से, वो और कोई नहीं बल्कि हैं कौन, ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट। जी हाँ, ऋतिक रोशन को वो राम के रूप में देखना चाहती हैं और आलिया भट्ट को वो देखना चाहती हैं सीता के रूप में। अब ये एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन बताया है दीपिका ने, अब किस रीज़न से बताया है ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सीता की जो मासूमियत है, सीता की जो एक बचपना है, एक बेबाकपन है, वो उन्हें आलिया भट्ट में नज़र आता है और एक जो आदर्शवादी बेटे का जो एक रोल है वो उन्हें ऋतिक रोशन में नजर आता है। तो राम और सीता, ऋतिक और आलिया को घोषित कर दिया है। अब देखना ही होगा कि क्या डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस हिंट को उठाते हैं और हमें बहुत जल्द बॉलीवुड में एक रामायण देखने को मिलती है। अगर हाँ तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। आप किस एक्टर को राम और सीता के रूप में देखना चाहते हैं ये आप हमें कॉमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।